जन्म प्रमाण पत्र संबंधी मुकदमे की सुनवाई के दौरान आजम खां पर अब 10,000 रुपए का जुर्माना। सभी स्कूलों को फिर से बंद करने का आदेश, कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच लिया गया फैसला। तेज हवाओं से बड़ी ठंड, घने कोहरे के चलते बसों की रफ्तार पर लगा ब्रेक, हवाई सेवा पर भी असर। चीन पाकिस्तान की अब खैर नहीं, 84,000 करोड़ का हथियार खरीदेगा भारत, मिली मंजूरी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सीएम भूपेश बघेल की तारीफ, ट्वीट कर कहा उनका निर्णय सराहनीय है। उत्तर प्रदेश से अवैध तरीके से हरियाणा लाया जा रहा यूरिया खाद, सीएम फ्लाइंग की टीम ने मारा छापा। क्या ओम प्रकाश राजभर को बड़ा झटका, देने की तैयारी में अखिलेश यादव, मुलाकात ने बढ़ाई हलचल। पीएम मोदी की मौजूदगी में दिल्ली में विजयवर्गीय ने दिखाया दम, सियासी गलियारों में हो रही चर्चा। औरंगाबाद में राजद नेता की चलाई गोली, लोजपा नेता के बेटे को लगी गंभीर हालत में किया गया रेफर। शिवपाल यादव जी ने पूर्वांचल में संभाली पार्टी की कमान, सपा के लिए 2024 की पिच तैयार, तस्वीरों में दिखी झलक। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।